चैनल द जैन किचन में स्वागत है। मैं आज आपको बची हुई रोटियों का उपयोग कैसे करें इसकी विधि बता रही हूँ। इसको देख के आप हैरान हो जाएंगे। रुकिए, आप इन रोटियों को फेंके नहीं, मैं इसका एक बहुत ही टेस्टी नाश्ता आपके सामने परोस रही हूँ। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने बचे हुए पराठे ले लिए हैं, ये इनका हाथों से हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और बिल्कुल बारीक कर लेंगे। आप चाहो तो मिक्सी में भी एकदम बारीक कर सकते हैं। ये पराठों के हमने अच्छे से बारीक टुकड़े कर लिए। सबसे पहले हमने कढ़ाई में तेल रख दिया है। तेल गरम करने के बाद इसमें हींग डाल देंगे, एक चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई, कड़ी पत्ते डालेंगे। दो चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच नमक, डालने के बाद अच्छी तरह से हिला देंगे। रोटी का चूरा इसमें ऐड कर देंगे। इसमें शक्कर भी ऐड कर देंगे। ये हमारे रोटी के पोहे बनकर तैयार हो गए हैं। सर्व करते समय हम नींबू का रस भी डाल सकते हैं। धनिया और इसमें नमकीन डाल सकते हैं। इसकी रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है। भाषा में इसे रोटी के पोहे भी बोलते हैं।